आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बाहर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 2 माह से गायब है। शहरी चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। चीनी की अदम दस्तियाबी पर शहरियों की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तियाब नहीं, जाए तो किधर जाए। बात करेंगे इस हवाले से मोहम्मद अमीन से, अमीन बताएगा। चीनी जो है गुज़िश्ता 2 माह से नायाब हो चुकी है और जो सार्फीन है वो आम मार्केट की बजाय जब यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं तो उनको चीनी यहाँ से नहीं मिलती, जिसके बाद वो आम मार्केट से महंगी चीनी जो है वो खरीदने पर मजबूर है। यूं समझ ले कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी जो है वो आम शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गई है। कस्टमर मौजूद है, बात करते, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई जान, देर ले आने सब चीनी तो मिलती क्या नहीं, 2 महीने से क्या 4 महीने से सब चीनी क्या नहीं मिलती। बच्चों को असा दूध जरा फीका पिला लेते, बस इतना तक है। दूजी गाल महंगाई बेबहा थी, ये जेरी शाय को हाथ लाओ वो शाय बेबहा। आम मार्केट से चीनी क्यों नहीं लेते? आम जेरी 110 रुपए किलो है, बार बजे दुकान 110 रुपए किलो है। वो क्या पैसे होमेन कारोबार हो तो असा मन के गिनो, जिन 400 रुपये जहाड़ी हो तो मैं चीनी गिनने वजे क्या भाव मिलती पहले मेरे को दसो से। बस हुकूमत जी माशाल्लाह ठीक है, हालात लग रहे हैं चीनी आ जाएगी 150 रुपए। नहीं, ओ हाँ गला मंडी में 2 ट्रक हैं, वो ब्लैक बेची ने, ब्लैक सरकारी अंदर ब्लैक बेचे ने बैठे उन्होंने इना यूटिलिटी स्टोर दुकान वाले। जैकेट बैलेंस का निजाम मौजूद नहीं है? नहीं कुछ नहीं, सारा कुछ मफरूज, कुछ नहीं थी ना, ये मतलब जितनी है ना ये सारी फर्क थी कि बस शरीर मुश्किलात हैं। और भाई साहब ने ये भी कहा है कि जो बच्चों को जो है बगैर चीनी के दूध पिलाने पर मजबूर है, इसलिए कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी आ नहीं रही और जो आम मार्केट है उसमें चीनी की जो कीमतें हैं वो बेकाबू हैं, कंट्रोल से बाहर है। तो 10 से 12 रुपए जो है आम मार्केट में फरोख्त हो रही है। साथ ही साथ ये भी इल्जाम किया है कि 2 ट्रेलर जो है कल बावलपुर में आए थे चीनी के सरकारी सतह पर, वो ब्लैक में गल्ला मंडी में बेचे गए हैं। तो ये सूरत हाल है, जो सार्फीन है चीनी के हसूल के लिए उनको शरीर मुश्किलात का सामना है। किसी भी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आपने अपडेट किया। डीजे खान के यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी नायाब हो गई है। डीजे खान से अपडेट करेंगे आशीष बाग। बिल्कुल 1 माह से जायद का अरसा हो चुका है डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी नायाब है। चीनी ना मिलने के बायस यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आने वाले शहरी खासे मायूस दिखाई देते हैं, क्योंकि 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी मौजूद नहीं है, जबकि आम मार्केट में चीनी 100 रुपए या 110 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त हो रही है। शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा क्या आखिर चाहते हैं चीनी? चीनी चाचा महीना थी के फिर देव करू 1200 रुपए चीनी है, इतना मिलता कह नहीं ठूडे के शाम को आदन वाला हो सवेरे वाला हो चीनी कह नहीं ऐसा वाला बडोर को बेले को अंदू ठूडा मार मैं महीना खान थी गया फिर देख रू चीनी कहने 1200 के रेट से मार 110 रुपए दे दुकानदार वही कई बेले उन्हें को होंगे 100 कई बेले 20 की खड़े होंगे कई बेले 110 की खड़े होंगे। क्या आखिर चाहो हुकूमत के लिए कुछ चीनी? हाँ इतना ही तो कह नहीं था चीनी ही स्टोर से बेच सब कुछ जरा चंगे रेट से मिलता हूँ चीनी बंद की खड़े हैं सब को कह नहीं पाए मिलते। मेहरबानी कहना चाहेंगे जी चीनी मिल रही है आपको? चीनी नहीं मिल रही हमें, 2-3 महीने हो गए मैं चक्कर लगा रहा हूँ, कह रहे हैं शाम को आना सुबह आना, अब कह रहे हैं सस्ते बाजार में चले जाए उधर मिल जाएगी। अब 110 रुपए 120 रुपए मिल रही है, वैसे उधर 80 रुपए मिल रही है सस्ते बाजार में। जी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी मौजूद नहीं है, यहाँ पर आने वाले शहरी खासे मायूस दिखाई देते हैं। मार्केट में चीनी महंगे दामों मिल रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर गुज़िश्ता 1 माह से चीनी मयसर नहीं है, शहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। मुताबिक शहरी मायूस दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया।